जी इस मशीन का नाम है बॉडी वेट स्पोर्ट्स सिस्टम। ये मशीन उन लोगों के लिए काम की है जो पेशेंट उठ नहीं पाते हैं। अब रीज़न क्या होता है, किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है, किसी को पैरालिसिस हो गया है, पैराप्लेजिक हो गया है, इस पोर्शन से नीचे जान नहीं है, तो इस मशीन में इस हार्नेस के थ्रू यहाँ पर हार्नेस बांध के पेशेंट को बांध के हम इसको पेशेंट को उठाते हैं और आस्ता आस्ता पेशेंट का वेट शिफ्ट करते हैं। जब ये हमारा प्रोसेस होता है उसके बाद हमारी रिहेबिलिटेशन आती है, पेशेंट का वेट शिफ्ट करना है, फिर पेशेंट को चलाना भी सिखाना है, तो उसके लिए हम नीचे ट्रेडमिल यूज़ करके या नॉर्मली ऐसे ही यूज़ करके हम इसको पेशेंट को वॉकिंग पैटर्न सिखाते हैं। आपका कहने का मतलब है जिसको लकवा वगैरह हो गया हो, जब कुछ प्रॉब्लम हो तो जहाँ आके ठीक हो सकता है। ये इक्विपमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ में कब से ये चला? ये जो ये इक्विपमेंट है इनको आई थिंक नियर 2 मंथ्स हो गए हैं, और ये एक ऐसी मशीन है जो पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ सेकंड मशीन है, फर्स्ट जीएमसी बारामूला में, सेकंड हमारे जीएमसी कठुआ में जी। ये एक मशीन है। आप जो लोग हैं बाहर पठानकोट की तरफ लुक करते हैं, पंजाब की तरफ, उसको क्या अपील करना चाहोगे कि किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ पे आए? अगर इनकेस किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है वो यहाँ पे आए, पैराप्लेजिक है, इस हिस्से से नीचे काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे आए तो उनका इलाज यहाँ किया जाएगा, और ये इनके रिहेबिलिटेशन में बहुत बहुत काम आया। क्या इसमें कोई खर्चा आता है? हार्डली नॉर्मल फीस 50-70 GR जो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है उतनी है। बाहर तो ये काफ़ी महंगा है, बाहर तो 1,000-1,500-2,000 भी है, पर यहाँ पे 50-70 रुपीज़ पर पेशेंट है। थैंक यू। लंबर एंड सर्वाइकल ट्रैक्शन कहते हैं, डिस्क प्रॉब्लम के लिए लंबर ट्रैक्शन हम इसमें देते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्ड्रोसिस के लिए हम इसको सर्वाइकल ट्रैक्शन पेशेंट में देते हैं। ये भी ऑटोमेटिक मशीन है, फुली ऑटोमेटिक मशीन है, ये वर्क करता है। ये मशीन इसको रिस्ट इंजरी है, एल्बो इंजरी है, फोरआर्म इंजरी है, ये उसके लिए काम आती है, हैंड इंजरी है, हैंड की रिहेबिलिटेशन के लिए ये मशीन काम आती है, ये भी मैनुअली पेशेंट यूज करता है। देन CPM कहते हैं, क्वांटिटी स्पेसिफिक मोशन, जैसे ये अपर लिम के लिए है, अपर लिम जैसे हमारा ये आ गया, पेशेंट को शोल्डर में फ्रैक्चर हो गया या प्रॉब्लम आ गई है या एल्बो में प्रॉब्लम आ गई है, इस मशीन में डाल के उसका हाथ ऑटोमेटिकली ये मशीन शोल्डर के लिए अप डाउन करेगी, और अगर एल्बो है तो एल्बो के लिए मूवमेंट करेगी। ये भी शोल्डर रिहेबिलिटेशन के लिए ये हम यूज़ करते हैं, शोल्डर की मूवमेंट के लिए, ठीक है। एंड दिस इज फॉर एडिशन, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, एक फुली ऑटोमेटिक मशीन है नी रिहेबिलिटेशन के लिए, जिसको नी रिप्लेसमेंट होती है, नी का के नी जॉइंट में कोई फ्रैक्चर है, उसकी आफ्टर सर्जरी के बाद ये मशीन ऑटोमेटिकली उसकी मूवमेंट लाती है। ये आ गया लोअर लिम के लिए और ये अपर लिम के लिए। अपर लिम में जैसे अब हमारा आता है शोल्डर हो गया, देन हमारा हैंड हो गया, हमारा एल्बो हो गया, ये उसके लिए फुली ऑटोमेटिक मशीन है।